नमस्कार, बुंदेली दर्पण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र सिंह। एमपी अजब है यूं ही नहीं कहा जाता। छतरपुर जिले में एक शख्स के जीते जी उसकी महिला को कागजों में विधवा बना दिया गया। इतना ही नहीं, बाकायदा एक साल से जिंदा इंसान की कागजों में विधवा हो चुकी महिला को विधवा पेंशन भी दी जा रही है। दरअसल छतरपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में अपनी पीड़ा को लेकर आए बड़ा मलहरा के ब्रजेश विश्वकर्मा ने अपनी आबेदी बतलाई है, जिसे सुनकर सिस्टम पर कई सवालिया निशान उठ खड़े होते हैं। ब्रजेश विश्वकर्मा की माने तो उनकी पत्नी ने पिछले साल लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन भरा था, जिसमें समग्र आईडी भी लगाई गई थी, लेकिन नगर परिषद के लापरवाह कर्मचारियों की वजह से उनकी पत्नी को लाडली बहना योजना का लाभ न मिलकर विधवा पेंशन के 400 रुपये हर महीने उनके खाते में आते हैं। ब्रजेश बतलाते हैं कि वह पिछले एक साल से स्थानीय प्रशासन से लेकर छतरपुर कलेक्ट्रेट और कलेक्ट्रेट से लेकर भोपाल तक चक्कर लगा चुके हैं, अपनी फरियाद सुना चुके हैं, अपने जिंदा होने का सबूत देते फिर रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासनिक लचर व्यवस्था के चलते एक जिंदा इंसान को कागजों में जिंदा नहीं किया जा सका है और उनकी पत्नी कागजों में विधवा है। बीते रोज जनसुनवाई में एक बार फिर ब्रजेश छतरपुर कलेक्टर के पास पहुँचे और खुद के जिंदा होने का सबूत देते हुए दस्तावेजों में सुधार कराए जाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है भैया आपका? ब्रजेश विश्वकर्मा। कहाँ से हैं? बड़ा मलहरा। क्या नाम है आपकी पत्नी का? उर्मिला विश्वकर्मा। कितने साल की है? वो हैं 32 साल की। किस तरह से लाडली बहना में नाम लिखा, क्या क्या आवेदन देने आई आप? हमारी पत्नी का लाडली बहना फार्म भरा था, जिसमें उनको विधवा कर दिया है और हमको मृत घोषित कर दिया है। आप जिंदा हैं? हम आपके सामने खड़े हैं और 12 महीने से हम चक्कर लगा रहे हैं कलेक्टर साहब के, भोपाल भी हुआ है, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, और बड़ा मलहर नगर पालिका में मालू चक्कर लगा, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। विधवा पेंशन किसको मिल रही? हमारी पत्नी को। क्या जिंदा है? और हमारी माता जी हैं, उनका नाम भी उर्मिला है, हमारी पत्नी का नाम भी उर्मिला है। समग्र आईडी अलग अलग है। उसके बावजूद कैसी गलती हुई, किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नगर पालिका। आज कहाँ पर आवेदन देने आए थे, क्या मांगे आप? जन सुनवाई कलेक्टर साहब के पास कि हमारा सुधार किया जाए, एक साल से परेशान हैं। ब्रजेश की माने तो कलेक्टर छतरपुर ने आवेदन लेकर जांच की बात कही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि एक जिंदा इंसान को कागजों में जिंदा होने के लिए अभी और कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो बुंदेली दर्पण में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।